आप, क्योंकि जल्दी जल्दी चलते हैं, आप सबको मारना है। तो गाइज मैं तुम्हें पहली बता दूं, पहली मैं 10 डेज सर्वाइव कर चुका हूं अपने सेकंड चैनल पर इसी वीडियो पर। एंड तुमने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वरना तुम्हें ये फुल्ली वीडियो समझ नहीं आएगी। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो अब डे आ चुका है 11 एंड तुम देख सकते हो मैं फ्लाइट ले चुका हूँ। एंड मैं यहाँ पर इसलिए देखने आया था क्योंकि ये था मेरा फर्स्ट एलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मुझे पता नहीं था किस तरीके से इस ओमनीडक्स को यूज़ करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ओमनीडक्स को यूज़ कर रहा था। एंड देन मैं जाता हूँ एक विलेज के अंदर एंड उस विलेज के अंदर मैं एक चीज़ ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं सो सकूँ। एंड देन मैं दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एंड वहाँ पर मुझे एक बेड मिल जाता है। पहले तो मैं थोड़ा सा विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन मैं बेड को ढूंढने लग जाता हूँ एंड मुझे ओल्ड आर्मी के पास बेड मिल जाता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर आके सो जाता हूँ एंड यहाँ से मेन कहानी हमारी शुरू होती है। उसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ दूसरी जगह की ओर एंड मेरे कुछ प्लान नहीं थे। एंड तुम देख सकते हो पोर्टल खुल रहे हैं, अलग अलग एलियंस आते जाएंगे एंड मुझे उनसे बचना है। आई डोंट नो मैं कैसे बचूंगा, बट तुम मुझे कमेंट में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। एंड अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कम से कम 200 लाइक्स कर देना, 200 फॉर द नेक्स्ट पार्ट एम करते हैं। एंड जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम आजकल चैनल को, मैं देख रहा हूँ। एंड अब मैं घोस्ट पिक बन चुका हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ मुझे ओमनीडक्स यूज़ करनी नहीं आ रही है, मैं स्टिंग फ्लाई बनना चाह रहा हूँ, बट मैं पता नहीं क्यों ये एलियन बन जाता हूँ यार। एंड यार प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाल करके बटन को हिट कर दो एंड जल्दी से लाइक कर दो। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, अगर इसका पार्ट सेकंड चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ये वीडियो में हम 30 डेज सर्वाइव करेंगे, यानी 30 डेज नेक्स्ट, यानी हम करीब 40 डेज तक सर्वाइव करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दो, मैं एम बता रहा हूँ, वरना न्यू नहीं पार्ट आएगा। एंड देन मैं अब जा रहा हूँ उड़ते उड़ते कहीं पर जाऊँगा मैं। एंड तुम देख सकते हो अब मेरा टाइमर भी ख़त्म होने वाला है, ऊपर तुम्हें दिख रहा होगा मेरा टाइमर, आई डोंट नो, बहुत जल्दी टाइमर ख़त्म होता है। मैं एक्सप्लोरिंग करते जा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। एंड अभी मेरे कुछ एम्स होंगे इसके अंदर, लेट्स सी मुझे क्या करना है, कुछ तो करूँगा ही, अलग अलग चीज़ें मिलती जाएंगी। एंड अब ओके ख़त्म हो भी गई ओमनीडक्स एंड अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। एंड मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, मैं इस विज़ार्ड के साथ देखता हूँ इसे क्या चाहिए। एंड इसे कुछ क्रिस्टल टाइप्स के होते हैं पिंक कलर के, इसे वो चाहिए यहाँ पर, तो मैं वही ढूंढने अब जाऊँगा। एंड वो अगर मुझे मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, एंड पर मुझे बाद में पता चल रहा है रिसर्च करने के बाद, अगर अब हमें वो चाहिए तो हमें काफ़ी ईवल विज़ार्ड्स के साथ लड़ाई करनी पड़ती है एंड वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। एंड मेरी ओमनीडक्स पहले काम नहीं कर रही है ठीक से, अगर मैं वहाँ पर स्टिंग फ्लाई बन गया या कोई ऐसा मॉब बन गया, तो जैसे अभी मैं बन चुका हूँ, मुझे बनना था स्टिंग फ्लाई बट मैं एक्सलरेट बन चुका हूँ जिसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं होती, तो मेरा वो बैंड बजा देंगे। सो लेट्स सी क्या हम कर सकते हैं, जो भी करेंगे तो अच्छे ही करेंगे। अभी तो एक्सलरेट अच्छा ही है ठीक से, पर उड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक उड़ना ज़्यादा तेज़ होता है चलने से। एंड तुम देख सकते हो बहुत टाइम हो चुका है अब तो, एंड अब मुझे वो जगह ढूंढनी है एंड मुझे वो जगह मिल जाती है एंड यहाँ पर ईवल विज़ार्ड्स आ जाती हैं एंड अब ये मेरा रास्ता रोक देती हैं। एंड यहाँ पर एक बन जाता है चंक बॉर्डर की तरह जो मुझे रोकता है एंड मुझे अब इनसे फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपना जल्दी से आर्मर पहन लेता हूँ एंड जल्दी से इन्हें फाइट करने लगता हूँ। पर ये मुझ पर अलग अलग पोशन फेंकते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, लिटरली मैं कांपने लग जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे थे, इनके अंदर बहुत पावर थी एंड मेरे अंदर कुछ भी पावर नहीं थी, क्योंकि अब मैं एक बहुत बेकार एलियन बना हुआ था, एक्सेलरेट जो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड अब मुझे पता नहीं मतलब क्या करना था। एंड उसके बाद मैं इनसे फाइट करने लगता हूँ, मैं जल्दी से इन्हें फाइट मारता हूँ पर ये मरते ही नहीं, ये मुझे बहुत गंदे गंदे पोशन दे रहे थे एंड मैं बहुत डर चुका था। एंड तुम देख सकते हो मेरे ऊपर अलग अलग पोशन आ रहे थे एंड ये मर भी नहीं रहे थे, मैं बहुत तेज़ी से हिट कर कर भाग जाता था। एंड फाइनली जब मैंने एक विच को मारा, जैसे तुम देख ही सकते हो अब मैं इन पर अटैक करते जा रहा हूँ एंड जब एक विच मरी तो मुझे पता चल गया एंड बस अब मुझे इनके ऊपर अटैक पर अटैक करना था एंड मैं अटैक पर अटैक करता जा रहा था। एंड ये विच लास्ट वाली इनविजिबल हो जाती है एंड मैं डर जाता हूँ, बट जब मैं इसके ऊपर शूट करने लगता हूँ एंड ये नॉर्मल होती है, पर तभी ये दोबारा से इनविजिबल हो जाती है एंड मैं बहुत डर गया था, बट मैं फिर भी बिना हिम्मत हारे इसके ऊपर अटैक कर रहा था। एंड तभी सडनली बहुत अटैक्स बाद ये मर जाती है एंड फाइनली मैं इस चेस्ट को खोलता हूँ एंड मुझे वही रेनबो कलर का जो सामान था वो मिलता है। एंड देन मैं जल्दी जाने वाला होता हूँ एंड तभी मुझे ये फोरा मिल जाता है। मेरी किस्मत बहुत गंदी थी, जब मुझे ये चाहिए था तब मिला ही नहीं था, अब इसका क्या फ़ायदा, हाँ इसका क्या फ़ायदा है पता नहीं क्यों, पर फिर भी मैं अपना जाने लगता हूँ।
मैं मुझे ये मॉन्स्टर दिखता है पर अब मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम्हें पता होगा पिछली बार इसने मेरे ऊपर अटैक किया था। यार जाकर देखो वो वीडियो तभी पता चलेगा। एंड मैं इसके ऊपर थप्पा मारता हूँ एंड उड़कर भाग जाती है। ओके बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ। अब मैं फिर से जाने लगता हूँ एंड लेट सी मैं क्या कर सकता हूँ। ओके एंड इसकी पावर अगर ख़त्म होगी रास्ते में तो मेरी सब लोग बैंड बजा देंगे एंड मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बैंड बजाए। ओके ये एक मॉन्स्टर आया है थप्पा। ओके इसका फ़ायदा ये है कि मैं एक हिट में ही किसी को मार देता हूँ। बहुत अच्छा फ़ायदा है। अरे ये डॉक्टर विलेजर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या पता क्या कर रहे हैं। एंड तुम देख सकते हो हर जगह पोर्टल ही पोर्टल खुले हैं। ओके ये आर्मी लेकर आ रहे हैं थप्पा थप्पा। ओके इनकी आर्मी को भी हमने गिरा दिया है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है मेरे अंदर अब आ चुकी है रैथ की पावर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मीम कैसा लगा जल्दी से लाइक कर दो। हाँ उसके बाद मैं यहाँ पर विलेज को एक्सप्लोर करता हूँ एंड देन टेस्ट करने लगता हूँ मैं कौन से लिनोर बन सकता हूँ। लेट्स सी भगवान से प्रार्थना करता हूँ एंड मैं ऑब्वियसली हीट ब्लास्ट बन जाता हूँ। एंड हीट ब्लास्ट कैसा था मुझे नहीं पता था। एंड मैं टेस्ट करता हूँ कि पानी में इसकी पावर ऑफ होती है एंड मुझे डैमेज नहीं पड़ रहा था पर इसका आग ऑफ हो जाती है पानी में एंड मैं टेंशन में आ जाता हूँ पर मुझे पता चलता है बाहर जाते तभी इसकी पावर फिर से आ जाएगी। ओके एंड मैं अब टेस्ट करने वाला था क्या ये चीज़ों को पिघला सकता है तो इसमें इंगट में बदल देता हूँ एंड यह मैं चीज़ों को पिघलाता भी था। ये मेरे अच्छा फेक था एंड देन फाइनली मैं स्टिंग फ्लाई बन जाता हूँ। स्टिंग फ्लाई घोस्ट फ्रीक से इतना तेज़ नहीं था, अब मुझे पता चल जाता है कि घोस्ट फ्रीक अच्छा ही था स्टिंग फ्लाई से। तो यहाँ पर ये फिर से मॉब आ जाता है, मैं फिर से नॉर्मल बन जाता हूँ। मेरा किस्मत बहुत गंदा था। मैं इसे हिट करने लगता हूँ ताकि मैं इसे मार दूँ एंड मैं फाइनली इसे और मार देता हूँ। एंड तुम लोग बताओ कि मैं आगे अगली वीडियो में क्या करूँ, क्या मैं एंडर ड्रैगन को हराऊँ या ना हराऊँ। हाँ एंड क्या मैं इसी मोड के साथ खेलूँ जिसमें ऐसे ज़ॉम्बीज हैं या मैं नॉर्मल और मैट्रिक्स मोड के साथ खेलूँ, तुम लोग कमेंट में बताओ। ओके सो मैं यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग देख रहा था। ये बंदा खाना बेच रहा था पर ये बहुत महंगा खाना बेच रहा था तो मैं घोस्ट बनता हूँ एंड थोड़ी सी एक्सप्लोरिंग पर निकल जाता हूँ। क्या पता मुझे कोई अच्छा ही चीज़ मिल जाए एंड मैं बहुत एक्सप्लोरिंग करता हूँ। एंड डे 39 था ये एंड डे 40 आने वाला था। डे 40 आ चुका है, मैं अभी तक घोस्ट फ्रीक हूँ एंड मैं नॉर्मल होने वाला हूँ। एंड तुम देख ही सकते हो बस मैं अब नॉर्मल होने वाला हूँ और ऊपर तुम देख सकते हो टाइमर एंड मैं ये नॉर्मल हो चुका हूँ। एंड मेरी किस्मत फिर से गंदी थी, ऐसी जगह पर नॉर्मल होना गंदी बात थी। एंड अब मैं पूरा दिन अपना सेटअप करता हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या मुझे करना चाहिए था। एंड अब मेरी रात होने वाली थी एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बन रही थी एंड डे 40 आ चुका था फाइनली। एंड तुम लोग बताना नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को एंड थोड़ा सा मैं खाना इकट्ठा करने लगता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी भीड़ रहे। ओके ओके अब लगता है मुझे ठंडर आ चुका है याप। सो अब मैं यहाँ पर एक पोर्टल बनाने वाला हूँ जो कि डायमंड फेंकने से यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से। एंड अगर ये पोर्टल बन जाता तो अच्छा ही होगा। ओके सो ये पोर्टल बन चुका है गाइस। इस वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट वीडियो पार्ट के लिए 200 लाइक्स। तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।